अच्छी बात पे अच्छा रेस्पॉन्स आए, क्योंकि ये कवि सम्मेलन है, थोड़ा हास्य भी हो, थोड़ा काव्य भी हो, थोड़ा व्यंग्य भी हो, और सरकारी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पे चार पंक्तियां अच्छा लगे तो यहाँ से वहां तक तालियों के साथ बताना, क्योंकि ये कवि सम्मेलन का मंच है। कि महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना एक एक दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में बाढ़ आई, राज्य कर्मचारियों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता अपना एक एक दिन का वेतन दिया, बाढ़ पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कहा क्या होता है एक एक दिन के वेतन से, ये मुफ्त का दिखावा बंद करो, और यदि सच्ची सहानुभूति हो तो एक एक दिन के वेतन के बजाय अपनी एक एक दिन की ऊपरी इनकम दो। थैंक यू। ये कैमरे वाले भाई साहब को देखकर याद आ रहा, देखिए हमारे देश का मीडिया कितना आगे बढ़ गया है। अभी आप शायद एक साल पहले एक नौटंकी हुई थी इस देश में, बहुत बड़ी नौटंकी, आपने देखा होगा, बाबा शोभन सरकार को सपना आया है 1000 टन सोना निकलने वाला है, देखा था ना, बाबा शोभन सरकार को सपना आया है 1000 टन सोना निकलने वाला है, हर आदमी टीवी के चिपकिया जैसे उसे ही मिलने वाला है। आप देखिए उस जगह पे चाट पकोड़े के ठेले लग गए, लोग तंबू लगा लगा के जम गए, और 15 दिन बाद निकला क्या, बाबा जी का थुल्लू। अब देखिए मीडिया, मीडिया किस तरह से बाप की नौटंकी कर सकता है, उसमें असली बात क्या थी किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है, अच्छा लगे तो मुझे बताना। उस जगह पे 4 लोग बैठे ताश खेल रहे थे, तभी वो बाबा शोभन सरकार बगल में चटाई दबाए हुए आए, बोले उठो यहाँ सोना है। वो बेचारे बगल में चटाई दबाए हुए सोने की जगह ढूंढ रहे थे, और मीडिया ने वहां खुदाई शुरू करवा दी। हमारे देश का मीडिया कितना आगे बढ़ गया, आज बच्चा 1 से 100 तक की गिनती तो चैनल बदल बदल कर ही सीख जाता है। इनके अलावा 24-24 न्यूज चैनल, आप सोचिए 24-24 तो केवल न्यूज चैनल है जो दिन रात खबरें बता रहे हैं, भगवान जाने ये इतनी खबरें कहां से ला रहे हैं। एक जबरदस्त कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अभी 2 साल पहले हैदराबाद में 2 बम विस्फोट हुए तो जी न्यूज ने 3 बताए, स्टार न्यूज ने 5 बताए, बाद में दोनों ने माफी मांग ली। अच्छा दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, छोड़ यार कौन देख रहा है? और ये चैनल इतने तेज कि इधर घटना घटी और इधर ये कैमरा लेकर हाजिर, कई बार तो घटना ही इंतजार करती है। और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप केवल न्यूज चैनल देखना, इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो पिछले साल बॉम्बे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई तो भरी बरसात में वो एक चैनल रिपोर्टर हर आने जाने वाले से पूछ रही, आपको कैसा लग रहा है? अब लोग बारिश से बचे या उसके सवालों का जवाब दे, सब बचकर इधर उधर भाग रहे थे, फिर भी एक गरीब को पकड़ ही लिया, बोली बॉम्बे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, इसमें आपको कैसा लग रहा है? वो बोला गीला गीला लग रहा है। और क्या कहे बेचारा, एक आदमी बारिश में बुरी तरह फंसा था, एक टूटे हुए छप्पर के नीचे पड़ा था, वहां तक माइक घुसा कर पूछा आपको कैसा लग रहा है? वो बोला एक बार बाहर निकाल। अभी 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई, आप जानते होंगे, जानते हैं ना, कोई बता सकता किसके साथ? मान्यता के साथ। इधर के लोगों का जनरल नॉलेज कमाल का है। मान्यता के साथ संजय दत्त हमारे देश में अकेले ऐसे पति हैं जो मान्यता प्राप्त पति हैं। तो 2 साल पहले संजय दत्त की शादी हुई तो सारे मीडिया वाले बाराती बनकर पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ है संजय दत्त, जिनकी आज शादी हुई है और कल ये हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ तो संजू बाबा, क्या आप अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा रहे हैं? कैसे अजीब अजीब सवाल मीडिया, आप न्यूज चैनल देखिए, न्यूज चैनल से ज्यादा हंसी कहीं नहीं मिलेगी। और मेरे ऑब्जर्वेशन अच्छे लगे तो मुझे आपकी तालियों के साथ पता चलना चाहिए। एक आता है ब्रेकिंग न्यूज, आप देखिए हर 10 मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज कम होती है, जोकिंग न्यूज ज्यादा होती है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, अभी अभी पता चला है अहमदाबाद हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है। आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता है दीपक चौरसिया। अब दीपक वहां ऑलरेडी कैमरा और माइक के साथ तैयार। इधर वाले ने कहा, हाँ तो दीपक कृपया हमें विस्तार से बताएं ये दुर्घटना कैसे घटी। अब दीपक ने बोलना शुरू किया, देखो रंजन, जो लोग मर गए वो तो कुछ बोल नहीं रहे और जो जिंदा उन्हें पुलिस बोलने नहीं दे रही। कोई बात नहीं दीपक, आप वहीं बने रहिए, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। अगले को वहीं चौराहे पे छोड़ दिया। इस बीच पता चला है दिल्ली में बर्फ गिरी है, आइए हम आपको वहां ले चलते हैं जहां हमारी संवाददाता है शीतल। शीतल हमें बताएं दिल्ली में बर्फ कैसे गिरी।
उधर से शीतल ने कहा, एक आदमी चांदनी चौक से साइकिल पर बर्फ लेकर जा रहा था, गिर गई। ये ब्रेकिंग न्यूज। ये न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करते, ध्यान से सुनना, पहले ये न्यूज बताते थे, आजकल बनाने लगे हैं। न्यूज को भी सस्पेंस स्टोरी बनाकर पेश करेंगे, चैन से सोना है तो जाग जाओ, और अपनी पत्नी को गुस्से में देखो तो घर छोड़कर भाग जाओ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बनाते रहेंगे। खबरें तो सिर्फ बहाना है, दरअसल हमें आपको डराना है। एक अकेली लड़की रात में, चार लड़के साथ में, क्या हुआ होगा, देखिए आज रात 10 बजे सनसनी। अब लोग इसी चक्कर में सोते नहीं है कि क्या हुआ होगा, रात को 12 बजे तक जगे रहते, क्या हुआ होगा। आपने देखा ना वो सनसनी वाला बंदा, बोलिए जोर से, ऐसा लगता है जैसे वो खुद अभी अभी 3 खून करके आ रहा है। आप सोचिए अगर ये आदमी अपनी शादी की बात करने जाएगा तो किस तरह करेगा। मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो सुंदर हो, मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो समझदार हो, मुझे चाहिए एक ऐसी पत्नी जो अच्छा खाना बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तीनों पत्नियां एक दूसरे से कभी मिल ना पाए। धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं, ये सब घर का माहौल है, सब घर में चलते रहता है। ये वो आदमी है जिसको 3 दिन से बुला रहे पर खाना नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है पर रिएक्शन हो जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, घर का ही मामला है। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ वहाँ कुछ बोलने से अच्छा है एक बार मेरे साथ बोलिए, माता रानी की। हाँ, बच्चा भी बोल रहा है जय, क्योंकि घर में भी इसके पिताजी माता रानी की जय बोलते हैं। हाँ जी, ये हर आदमी मार्केटिंग में लगा है, देख मेरा ढंग का ही हो गया। कोई बात नहीं, घर का मामला है, परिवार का मामला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, एंजॉय करें। एक बार जोरदार ताली गौरव शर्मा के लिए। लाफ्टर चैलेंज में बहुत ही धमाल किया था, बहुत ही जबरदस्त कलाकार है और हाजिर जवाब है। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव भाई मेरी प्रेमिका मुझसे खुश हो जाए मैं ऐसी कौन सी चीज दूं, ये बोला मेरा मोबाइल नंबर दे दे। बहुत अच्छे, बहुत ही चालाक आदमी है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं। हमारे आदरणीय मनोज मिश्रा जी की बैठे हैं यहाँ पे। सर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम तीनों ब्राह्मण ही हैं। मेरा सरनेम पाठक है, मैं सांवरा ऐसे हो गया था राज ठाकरे के डर से। बहुत अच्छे। फिर जैसे पता चला अभी रिस्क नहीं है तो मैं फिर बोल देता मैं पाठक हूँ। और पिछले दिनों सर अमेरिका जाके आए थे, सर ने बोला थे बात विशेष बता देना, इसके अलग से पेमेंट होंगे। मैंने पूछा सर मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? सर बोले एक भी नहीं। मैं बोला कैसे? बोले सोचने के कैसे पैसे। बहुत अच्छे बेटा, तुम सोचते सोचते चांद पे चले जाओ, कौन रोका है ऐसे हमारे आदरणीय मनोज सर। एक बार सर के लिए जोरदार ताली, बड़े धैर्य बड़ी हिम्मत के साथ में सुन रहे हैं, सुनने के बाद हमें जाने भी देंगे, ये इनकी इंसानियत है। क्या बात, क्या है साहब, जब भी कोई मेरी फोटोग्राफर फोटो लेता मैं डर जाता हूँ, होता कुछ नहीं, अभी मेरी फोटो लेगा, फोटो अच्छी आएगी, किसी अखबार में दे देगा, फोटो छप जाएगी, आदमी अखबार पढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा ठीक है, नहीं तो किसी रद्दी वाले को दे देगा, रद्दी वाला उसमें जलेबी रख के आदमी को बेचेगा, आदमी जलेबी खाएगा, अखबार फेंक देगा, फिर उसे कुत्ता चाटेगा। वो हालत मेरी होने वाली है, तो फोटो थोड़ा टेस्टी है इसलिए ढंग से खींच ले मेरे भाई। हमारे सूरज उपाध्याय जी सिक्योरिटी इंचार्ज है, लेकिन खुद ही मतलब खतरे में रहते हैं। भाभी जी से कितना दूर बैठे हैं ये, भाभी जी आई हैं? आप इस कोने में, वो उस कोने में, आप खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहे हैं सर। गौरव मारवाड़ी भाई लोगों के बारे में बता रहा था, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर जितने मारवाड़ी भाई बैठे अगर आपको बात लगे कि आपके मैं दिल की बात बता रहा हूं तो भयंकर ताली बजनी चाहिए, एसीसी सीमेंट से बाहर जाके दूसरे सीमेंटों की आवाज तक घुस जानी चाहिए बात, जिनके सीमेंट में जान उनकी जान निकल जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतनी जोर से ताली बजे, उनको लगना चाहिए कि ढंग का कार्यक्रम यही हो रहा है। आदमी का बिना मतलब का टेंशन ले लेता है। यहाँ पे उपाध्याय जी की बात बता रहा था मैं, मारवाड़ी भाई कितने बैठे, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर देंगे तो, नहीं भी करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बैठे हैं क्योंकि, हाँ ऐसा क्या जल्दी से, और इधर उधर देखने लगा। क्या साहब, मजा लेना, आनंद लेना, हम लोग आनंद के लिए आए हैं, अगर आनंद लेते तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हमें तो जाने तो भाई।
मारवाड़ी आदमी इतना चालाक होता है, इतना चालाक होता है, इतना चालाक होता है कि किसी को मिस कॉल मारता है फिर भी अपना बैलेंस चेक करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, कटा क्यों नहीं? इतनी अच्छी क्वालिटी सिर्फ आप में हो सकती है सर, किसी में नहीं। यहाँ पर बच्चे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, माँ बाप पीछे जाके आज़ादी दिवस मना के चले आ रहे हैं। क्या बात, बच्चे बड़े डेंजर है, बच्चों की सब बातें बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एसीसी सीमेंट के बच्चे कितने होशियार हैं सर, इतने एडवांस बच्चे की क्या बताऊँ। एक स्कूल में एक सर ने एक बच्चे से पूछा, बेटे बताओ इस अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आता है? लड़का टैलेंटेड बोला, ये बताओ उसमें घुसता कैसे है? बहुत अच्छे। फिर दूसरा प्रश्न किया, बेटे बताओ एक खेत को 50 बैल 60 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 80 बैल कितने दिन में जोतेंगे? लड़का अकाउंटेंट का बोला, सर जब खेत एक बार जुत गया। बहुत अच्छे, उसे बार बार जोतने की क्या जरूरत है? इतने होशियार टैलेंटेड बच्चे। फिर एक दूसरे सर आए, विज्ञान पढ़ाने वाले, मोमबत्ती जला के आए, बोले मैं इसे पढ़ा के दम लूंगा। बोले बेटे बताओ इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आता है? लड़का एसीसी सीमेंट का दिमाग वाला, उसने बोला सर कम हियर। सर नजदीक गए, उसने जोर से फूका, मोमबत्ती बुझ गई। बोला बोल प्रकाश गया किधर? इतने टैलेंटेड बच्चे। फिर एक दूसरे सर से, एक सर बता रहे थे, बेटे गाय का दूध पिया करो, गाय का दूध पीने से दिमाग एकदम तेज होता है, ब्राइट होता है। लड़का बोला दिमाग बच्चा टे, गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता तो बछड़ा प्रिंसिपल होता। बहुत अच्छे, बच्चे इतने टैलेंटेड, इतने होशियार, क्या बताए सर। एक छोटी सी बच्ची से उसकी माँ बोली, बेटी तुम बताओ बड़ी होकर क्या करोगी? वो बोली, मम्मी जो बगल वाला पप्पू है ना, मैं उसे शादी करूंगी। माँ बोली, गलत बात, अभी से किसी का पूरा नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छे, ऐसे ऐसे बच्चे सर। और मैं आपको मजा लेना सर, पीछे वाले भी जोरदार ताली बजाइए सर, हम आपके लिए आए हैं, आप थोड़ा सा हौसला उत्साह देंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं वो बहुत तेज है सुनील, तुम पसंद आए तो ताली बजाएंगे, नहीं तो तुम्हें बजा देंगे। भाई मुझे नहीं बजाना, जब भी आपको बजाने का मौका मिले तो मैं गौरव को साथ में लेकर चलता हूँ, वो मेरी सारी विपत्ति अपने ऊपर ले लेता है, पेमेंट भी ले लेता कभी कभी। बेटा कोई ढंग का माँ बाप मिले तो लकी ड्रॉ समझ के चले जाओ। बहुत अच्छे बच्चे, भी अच्छी चॉइस पे ही ध्यान देते हैं। बोले यार रोज रोज यही बाप दिखते हैं, बच्चे हैं भाई बड़े बच्चे। मैं बच्चों की बात बता रहा था सर, बच्चों बड़ा आनंद आता बच्चों की बात, सच्ची घटना बता रहा हूँ सर, मजा लेना दिल खोल के, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सरकारी हॉस्पिटल में मैं गया सर, छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया था, छोटे छोटे इतने इतने, एक मोटा तगड़ा बच्चा भूतपूर्व अदनान सामी टाइप, बच्चों का कॉलर पकड़ पकड़ के इंटरव्यू ले रहा था। एक को बोला क्यों बे साले, हर बच्चा 9 महीने में होता, तू 12 महीने में हुआ? वो बोला बॉस इसमें हमारी कोई गलती नहीं, मेरी माँ गवर्नमेंट ऑफिसर है, हर काम में देरी होती है। बगल में जुड़वा बोले तुम दोनों साथ में, हमारी माँ को स्कीम की आदत है। एक पर एक फ्री, ऐसे बच्चे हैं। मैं बच्चों के सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूंगा, और मुझे लगना चाहिए कि आप जितने भी लोग बैठे हैं हास्य को समझते हैं, कविता को समझते हैं, आपके अंदर हास्य कविता की प्रेम प्रेम के साथ में देशभक्ति भी है। मजा लेना दोस्तों, बच्चों के माध्यम से मैं देशभक्ति की ओर कैसे जाता हूं कि अब बच्चों को बच्चा कहना बच्चों का अपमान है। हर लड़की है ऐश्वर्या, हर लड़का सलमान है, और मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है। और अंतिम लाइन में कम से कम इसकी 3 गुनी ताली चाहिए सर, मेरी प्रेमिका इतनी सुंदर जितना हिंदुस्तान है, और उसका बाप दुष्ट है इतना जितना पाकिस्तान है। मैं तो अपने तरीके से निपटाता हूँ सर, ज्यादा लोड और टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने तो रिसर्च किया सर, आदमी कितना बड़ा भी हो जाए, IAS हो जाए, IPS हो जाए, मंत्री हो जाए, डॉन हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, उसकी घर में क्या हालत, मैं आपको बता रहा हूँ। घर में जाओ तो बीवी एक ही बात बोलती, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। क्या बात, कितना बड़ा भी आदमी हो जाए, गुप्ता जी से सीखो, गुप्ता जी के घर में जाते बोलते वर्मा जी से सीखो, वर्मा जी के घर में जाते बोलते मिश्रा जी से सीखो। घूम फिर के अपने पास ही आते सर, अपनी इज्जत ही नहीं है सर। अरे नहीं मैडम जी, बीच बीच में आप हंसती तो ऐसा लगता है कि हम पेमेंट के साथ में प्रोविडेंट फंड भी मिल गया है। आप हंसती है तो सर भी हंसते हैं, क्या बात, इसलिए आपका हंसना बहुत जरूरी है, आपका हंसना राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि आप नहीं हंसेंगे तो राष्ट्रीय कवि मारे जाएंगे, इसलिए आप हंसिए मैडम।
मैडम भी बड़ी होशियार हैं। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया था तो मेरा एक दोस्त बोला, हमारे अमेरिका की महिलाएं बहुत एडवांस है, बहुत दिमाग वाली, बहुत टैलेंटेड है, किसी भी टॉपिक पे नॉन स्टॉप दो दो तीन तीन घंटे बात करती। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, चंद्रपुर के एसीसी सीमेंट के कॉलोनी में आ, यहाँ की महिलाएं बिना टॉपिक के दो दो तीन तीन दिन तक बात करती हैं। तो भी बात खत्म नहीं होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कितनी भी महिलाएं जितनी भी बैठी हैं, अकेली नहीं बैठी, एक महिला दूसरी महिला के साथ में बैठी है। मेरी बात अच्छी लगी तो पुरुष वर्ग मेरा साथ देना, महिलाएं तो मेरा साथ देंगी क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। ये महिलाएं सर कहीं भी जाएंगी तो अकेले नहीं जाएंगी, मार्केट भी जाएंगी तो बगल वाली को बोलेंगी चलती हो। अब देखना, अब आपकी जिम्मेदारी है सच बोलना, सच लगे तो मेरा साथ देना। दो महिलाएं साथ में इसलिए नहीं जाती कि इनमें बहुत प्रेम होता है, दो महिलाएं साथ में इसलिए जाती हैं ताकि तीसरे की बुराई कर सके। बहुत अच्छे। एक छत पर देवरानी जेठानी खड़ी थी, नीचे सासू चली आ रही, देवरानी बोली उधर सुनामी चली आ रही। अब अपने को आती ले डूबे की ऐसी में विशेष महिलाओं को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जितने पुरुष बैठे हैं महिलाओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। पेश करना चाहता हूँ और कुछ अच्छी बातें अगर आप अपने साथ ले जा सके तो ले जाना, और तालियों के साथ मुझे बताना। मैं महेश जी के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ। पिछले साल हमने आज़ादी की 68वीं सालगिरह मनाई, अभी एम आई राइट और रॉन्ग? किसी ने मुझसे, अच्छा लगे तो मुझे तालियों के साथ बताना, किसी ने मुझसे पूछा आज़ादी के 68 साल में हमने क्या खोया क्या पाया? मैंने कहा भगत सिंह को खोया और अमर सिंह को पाया। हम 1947 से AK-47 तक आ गए, हमें आधी रात को आज़ादी मिली थी, सवेरा आज तक नहीं हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज के नेता कहते तुम मुझे आज़ादी दो खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूँगा। और ये भी कितनी अजीब बात है, पहले के नेता देश प्रेम के लिए खून देते थे और आजकल के नेताओं को DNA टेस्ट के लिए खून देना पड़ता है ना? हमारे देश का नेता घुटनों से भले ही अटल बिहारी हो जाए, दिल से हमेशा NDE तिवारी रहता है। अच्छा लगे बताइए तालियों के साथ, एक भूमिका तैयार कर रहा हूँ।